नमस्ते गोविंद भैया और सभी बहनों को भी नमस्कार। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि 5 दिन पहले मेरे परिवार में सबकी तबीयत ख़राब हो रही थी वन बाय वन। सबसे पहले मुझसे स्टार्टिंग हुई, देन एक एक करके मेरी पूरी फैमिली में सभी को बुखार आने लगे और जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। पर गोविंद भैया को मैंने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे सब कुछ बताया किस तरीके से केयर करना है, किस तरीके से काढ़ा लेना है, कितने समय पे लेना है, होम्योपैथिक दवाई लेनी है, कौन सी कैसे। तो आज की डेट में मेरा परिवार बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो चुका है, सभी बिल्कुल स्वस्थ हो चुके हैं। तो मैं गोविंद भैया को हार्दिक दिल से बहुत मतलब ब्लेसिंग देती हूँ कि भैया कभी आपकी ज़िंदगी में कोई दुख ना आए और आप जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं इस परेशानी के दिन में, भगवान सदैव आपकी रक्षा करें। तो आपको मैं बताने ही वाला था, रिपोर्ट आज ही आई है, नेगेटिव आ गई है रिपोर्ट। रिपोर्ट आ गई? मैंने भी हाँ, मैं सब अब सुबह से सबसे बात ही हो रही है, सब बता रहे हैं, तो मैं पूछ रहे हैं, तो आपकी भी आ गई, आपको बता रहा हूँ। अच्छा, और दीदी की तबीयत ठीक है? उनका गला वगैरह ठीक है? चलो, हाँ वो ठीक है, आराम है, उनको अभी टेस्ट कराया था, वो नेगेटिव था पहले भी। मतलब आपके बनवास खत्म हो गया ना? मेरा बनवास तो अब आइसोलेशन है, पहले अच्छा, क्वारंटीन था, आइसोलेशन में। अभी पहले क्वारंटाइन में थे, वो आइसोलेशन अभी 14 दिन और बचाए हैं, कोई नहीं, अच्छा ये भी कट जाएंगे ऐसे खेलते, मजा आ रहा है मुझे तो। देखो बड़ा सोच समझ के 14 दिन, 14 साल का वनवास डाला है। जी, आप तो मेरी शादी के भी 14 ही हुए, शादी चले भी 14 साल हो गए, आइसोलेशन और क्वारंटीन। आप बस बताएं कैसे हैं? मैंने कहा पूछे, बड़े दिन हो गए, मैं भैया का हाल चाल पूछूं जरा। आपके तो मतलब ग्रुप में तो मतलब आप ही आपको मतलब आज भी बिल्कुल तड़प पर रहता है, मेरे हिसाब से तो आपको 24 घंटे में लोग 25 घंटे परेशान करेंगे। आप क्या, आप तो आप निगेटिव हो गए, अब आपको छूने का कोई ये फायदा क्या बात, थोड़ी मेरे ये क्या को। बात होती है, ये क्या बात होती है? अगर ऐसे करना है मैं आपको दोबारा पॉजिटिव हो जाता हूँ, छूने अगर इस शर्त से मिलोगे मैं तो दोबारा पॉजिटिव होने को तैयार। ऐसे का कोई फायदा है? कोई बात मत नहीं, कोई करो, बात नहीं, जल्दी ऐसे मत आएंगे, करो। जल्दी जल्दी आएंगे अभी। आइए आइए, मैं इंतजार ही कर रहा हूँ आपकी। जब मार्केट चल गए थे तो आपका, देखिए मेरी वाइफ बोली कि लगता है भैया का फोन आ रहा था, तो बोले कि उठा के बात करती, बोल बोल देती कि आ रहे हैं। तो वही हम सोचे कि भैया भैया फोन किए, बोले वाह, बोले कम से कम बात करने का फिर से मौका मिला। ना ना एक्चुअली आपका शेड्यूल बिजी रहता, आपको हम देखते रहते ना, है स्वास्थ्य मिशन देखते रहते हमेशा, मगर आप लोगों को बात करके ही संतुष्ट करते हैं। अब एक्चुअली हम एक चीज नोटिस किए हैं आपको। हाँ, मेरा एक्चुअली क्या है, दवाइयाँ तो कोई भी दे देगा, जी जी दवाइयाँ तो एक छोड़ चार मांग ले। कह रहा था कि उस दिन वो आपसे बात हो रही थी ना, जिस दिन तो वो देसी दवाई मिली नहीं। हाँ हाँ और फिर अंग्रेजी मैंने और ली नहीं, मैंने आपसे कहा ही था ना मैं और लूंगा भी नहीं अब। हाँ 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 तो फिर बाद वो एक बार वो मैंने शाम को एक बार वो काढ़ा मैंने बढ़िया करके दोबारा बना के मतलब लौंग काली मिर्ची और वही सब करके वो एक बार और पी लिया था, फिर बात उसके बाद फिर मैंने कुछ नहीं करा। तो स्वस्थ परिवार समृद्ध परिवार, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें जिससे सफल सरल घरेलू उपचार परिणाम और अनुभव को प्राप्त कर आप अपना विश्वास ज्ञान बढ़ा सकें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अन्य विशेष जानकारी हेतु जरूर पढ़ें। साथ ही किसी भी घरेलू चिकित्सालय सलाह हेतु भाई राजीव दीक्षित जी के एकलव्य रूपी शिष्य भाई गोविंद शरण प्रसाद, जिनका फोन नंबर 9958148111, इस पर व्यक्तिगत व्हाट्सएप संदेश कर संपर्क करें। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।